أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر الله معجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم چونکہ ماہ مبارک رمضان کی یہ تاریخیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں اس سب سے بڑے عالمی حادثے یا ٹریجڈی کی بنا پر ہمارے دو تین درس موضوع سے ہٹ کر اس واقعے کے حوالے سے ہوئے اور وہ ضروری بھی تھا اس لیے اب وقت کی کمی اور موضوعات کی کثرت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ہم بغیر کسی تمہید کے براہ راست اپنی بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں کہ آنے والی مصیبتیں اور پریشانیوں کی ایک بڑی ذمہ داری خود ہماری غلطیوں پر ہوتی ہے جن میں خاص طور پر گناہوں کو دیکھ کے خاموش رہنا اور ظلم کو دیکھ کر مظلوم کی مدد نہ کرنا جب کل خاص طور پر اس حوالے سے بہت اونچے پیمانے کی گفتگو ہوگی یعنی بڑے بڑے مظالم کا تذکرہ ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے کیا ہم اتنے بڑے بڑے مسئلوں کو دیکھتے رہے اور نتیجے میں بعض ایسی غلطیاں جو آخرت کے اعتبار سے ویسا ہی عذاب لے کے آتی ہیں جو بظاہر بہت بڑے بڑے گناہوں کا عذاب ہونا چاہیے لیکن چونکہ دنیا میں وہ اتنی بڑی غلطی نہیں لگتی ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر چھوٹی اور بڑے ہر قسم کی غلطی پر ہمیں توجہ دینا ظلم کوئی اور کر رہا تب بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں اور اگر ہم خود ہی ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں جب مظلوم کی مدد نہ کرنے والے نیوٹرل اور غیر جانبدار مومن کے بارے میں یہ آ گیا کہ وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوگا غیر جانبدار جس کا کوئی تعلق نہیں اس مسئلے سے تو اگر ظالموں کی فہرست میں انسان کا اپنا نام لکھا جا رہا ہو چاہے پرسوں کے درس کی روشنی یہ ظلم اسلام پر ہو رہا ہو یا کل کے درس کی روشنی میں یہ ظلم کسی انسان پر ہو رہا ہو اب جس عنوان پر کل کے درس کا آخری واقعہ پہنچ رہا تھا وہ بھی اور ظلم کے حوالے سے پہلے اس ایک واقعے کو سن لیجیے جو ملا مہدی نراقی کا واقعہ یہ تقریباً 200 سال پہلے
शिया तारीख के एक बहुत ही अजीम मुश्तहिद और मर्जी, अगर थे इनके बेटे मल्ला अहमद नेरापी वो भी मर्जी बने, शोहरत के एतबार से अपने बाप से जरा ज्यादा थे और इतने अजीम मर्जे थे बेटे कि हजरत इमाम खुमैनी रिजवानुल्लाह अलैह जब विलायत फकीह के नजरिए तारीख इस्लाम में जो दब गया था, छुप गया था, पोशीदा हो गया था, एक बार दोबारा पेश किया। पहला सवाल उनसे यह हुआ और ये सवाल हमारे हर मर्जे से किया जाता है और ये मर्जे की जिम्मेदारी कि पहले इस सवाल का जवाब दे, बाकी बातें बाद में करें। और वो पहला सवाल ये होगा कि अगर कोई बिल्कुल नई चीज हो जो इससे पहले दुनिया में थी ही नहीं और उसमें मर्जे ने या मुश्तहिद ने अपना एक नजरिया पेश किया तो चले उसे तो हम कबूल कर लेंगे। जैसे बैंकिंग का ये निजाम 150-200 साल पुराना है, उससे पहले तो था नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी का मसाला, क्लोनिंग का मसाला, आजाए जिस्मानी का एक दूसरे को मुंतकिल करने का मसाला, काफिर की आंख अगर मुसलमान की आंख में लगी तो क्या नजीस रहेगी कि बात हो जाएगी, बहुत सारी दवाओं के बनाने का मसाला, कहा जाता है कि शुगर के मरीज को जो इंसुलिन दी जाती कभी वो सुअर के लबलबे से निकाली जाती है, कभी गाय के। अब मसलन ये सारी चीजें कुछ मेडिकल साइंस की तरफ भी, कुछ इकोनॉमिक्स की तरफ भी, ये पिछले 100 साल की बातें हैं। इसमें तो मर्जी जब कोई राय कायम करता है तो उसके सामने माजी का कोई और फतवा या मसला नहीं होता, तो ठीक है वो अपने इल्म की रोशनी में एक फतवा हमें देगा। लेकिन जब कभी मर्जी किसी ऐसे मसले अपना नजरिया या अपना फतवा बताता है जो मसला पहले से मौजूद है, तो उनसे पहला सवाल ये होता है, यानी विद ड्यू रिस्पेक्ट, इज्जत और एहतराम के दायरे में, ये मसला जो आप बता रहे हैं बात तो पुरानी आज की नहीं, तो क्या आपसे पहले भी तारीख इस्लाम में हमारे किसी आलिम ने ये मसला बताया कि नहीं बताया? दूसरे अल्फाज कहीं आप ये दावा तो नहीं कर रहे कि 1400 साल की तारीख में आज तक न किसी ने कुरान को समझा न हदीस को, मैं पहला आदमी हूं जो इसको समझ रहा हूं। अगर ऐसा आपका दावा तो हम इसे कबूल नहीं करेंगे। ये हमारे यहां का एक तयशुदा मसला है। चुनाच जब कभी कोई ऐसा मसला हमारे सामने आता है जो 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल, 700 साल से किसी ने बताया ही नहीं, तो नया मर्जे, आज के जमाने का मर्जे जब इस मसले पे अपना फतवा देता तो उसे पहले यह साबित करना पड़ता है कि तारीख इस्लाम में उससे पहले भी यह फतवा दिया जा चुका है। जैसे सबसे पहली और वाज़ह मिसाल को हजरत इमाम खुमैनी का विलायत फकीह और हुकूमत इस्लामी का नजरिया था, तो अब बुनियादी तौर पर यह शरई मसला, चुनाचे इसको साबित करने के लिए दलील कुरान की आयत से लाना चाहिए या अहादीस से, मासूमीन से, जितने भी शरई मसले मेयार तो कुरान और हदीस है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें यह भी बयान करना पड़ा और जैसा कि मैंने कहा यह मर्जे की जिम्मेदारी है कि वो बयान करे कि कुरान और हदीस से तो मैंने इसको समझा, लेकिन मेरे अलावा इससे पहले किस किस ने इसी मसले को पेश किया, एक पूरी उन्होंने फेहरिस्त दी थी जिसमें 200 साल पहले इन अजीम मर्जे मुल्ला अहमद नेरापी का तस्किरा भी था।
और ये खाली आगा खमेनी की बात नहीं थी, एक और बहुत ही मशहूर मस्जिद उन्हीं के जमाने में मरहूम आगा हुई थे, उन्होंने भी रमजान और ईद के चांद के हवाले से एक ऐसा फतवा दिया जो आम तौर पर 100, 200, 500 साल से जो मशहूर मसला था उससे हटकर था। तो उन्होंने कुरान और हदीस से तो अपने फतवे की दलील दे ही दी, लेकिन साथ में फेरिस उनको ये भी देना पड़ी कि मेरे अलावा मुझसे पहले किस किस मर्जे ने यह फतवा दिया, क्योंकि हमारे कभी कोई मर्जी ये वाला दावा नहीं करता कि आज तक पूरे इस्लाम में किसी ने कुरान और हदीस को नहीं समझा सिवाय मेरे। एक और बहुत ही अहम मर्जी आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम, यानी वो इतने अहम मर्जी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत से लोगों तकलीद करते करते उनके बाद तकलीद करना छोड़ो कि भाई इतना अजीम मर्जी अब हमें कोई नजर नहीं आ रहा, अब तो इख्तिलाफ हो गया है, दो दो और तीन तीन के नाम आ रहे। उनके जमाने तक कम से कम हमारे इलाके में फकत एक नाम था। तो जब उन्होंने ये फतवा दिया कि ईसाई और यहूदी पाक है, अब आज तो यही फतवा आयतुल्लाह खामेनाई का है, आयतुल्लाह सीसानी का है, आयतुल्लाह फाजिल लंकरानी का है, कई मराजे का है। लेकिन जब 1960 उनका ये फतवा आया तो सालों से यही सुनते आ रहे थे कि सारे काफिर नजीस हैं। अब उन्होंने जब ये फतवा दिया तो कुरान से और हदीस से अपनी दलीलें तो लाए, लेकिन उसके साथ ये भी बताना पड़ा कि आज तक तारीख शिया में मुझसे पहले किस किस ने यह फतवा दिया, क्योंकि हम मर्जे की इज्जत भी करते हैं, अजमत के भी कायल हैं, अगर उनकी तकलीफ में है तो उनके फतवे पे भी अमल करते हैं, अगर उनकी तकलीफ में नहीं है तब भी उनके पूरे पूरे एहतराम का ख्याल करते हैं, लेकिन उन्हें इमाम मासूम की तरह ऐसा अकले कुल नहीं मानते कि जो चीज आज तक किसी की समझ में नहीं आई वो उनकी समझ में आ रही है। तो यह हर मर्जी का तरीका कार भी है, और अगर कभी किसी वजह से किसी मर्जी वक्त कम है जल्दी जल्दी बात को समेटने के लिए खाली कुरान हदीस की दलीलें दे दी तो हौजा इल्मिया में फौरन उनसे सवाल होगा, सिवाय उन मसलों के जो पहले जमाने में थे ही नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अब बज़ाहिर बाज ख़वातीन को ये लगा होगा कि अच्छे भले मौजू से मौलाना बहक के उधर क्यों चलेगी, ये 5-7 मिनट का टाइम तो जाय कर दिया। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि मेरी तकारीर का एक तो अपना उन्वान होता जिस पर मुझे बात करना होती है, उस दिन कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिनको बयान करने के लिए अलग से वक्त नहीं, इसलिए 12-13 दिन देखते ही देखते गुजर जाएंगे। तो वो जो कुछ छोटी छोटी लेकिन बड़ी अहम चीजें अलग से उस पर दर्ज देने का मौका नहीं, लेकिन वो अहम भी है। तो इसी तरह से मैं मौके से फायदा उठा के दरमियान में एक आध बात छेड़ देता हूं। अब जो मैंने अब तक की बात कही सिर्फ बज़ाहिर सिर्फ एक जुमले की वजाहत के लिए कि भाई मुल्ला अहमद निराकी जिनका वाकया आने वाला है उनकी अपनी हैसियत क्या, रावी जितना मोतबर हो रिवायत में उतना वजन पैदा होगा, लेकिन आगे कोई का भी जिक्र आ गया, आगे मुसिन अकीम का भी जिक्र आ गया, फतवों की बात भी आ गई। ये इसलिए जब हमारे यहां मर्जी एक फाइनल अथॉरिटी होता और खैबत इमाम एक मर्जे से ज्यादा बड़ी हैसियत और इख्तियार और ताकत किसी के पास नहीं, शर्त हो सकता है कि दुनियावी एतबार से वो हमारी आपकी तरह से कमजोर हो, लेकिन शरण मजहबन इस्लामी नुक्ता निगाह से वो फाइनल अथॉरिटी, उससे बड़ा कोई नहीं। उसके बावजूद
वो भी कोई नई बात नहीं कह सकता, उन चीजों में जो पहले से चली आ रही, उसे ये साबित करना पड़ता है कि ये चीज इससे पहले भी हमारे पास थी। और आज हमारा जमाना ऐसा कि सारी दुनिया में, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान, नए नए फितने पैदा हो रहे हैं, मजहब के हवाले से नई नई बातें लोग लेके आ रहे हैं, जिनके बारे में हमें यकीन काबिल है कि यह अरबी भी सही नहीं पढ़ सकता, जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता, वो बड़े बड़े मामलात में रिसर्च करके बताता कि आज तक ये गलत हो रहा था। और न सिर्फ ये कि गलत हो रहा था, बल्कि इतनी बड़ी बात कि जो इस बात पे अमल न करे वो हलाल ज्यादा भी नहीं है, इतने आराम से कह दिया जाता। ऐसे ऐसे लोग कि हमें खुद भी मालूम है कि उनका इल्म क्या है, उनकी मालूम क्या है, चूंकि हमारे मुल्क ये चीज बड़ी शिद्दत के साथ जोर पकड़ रही है। अब जैसे नमाज, ये कोई डस्ट्यूब बेबी की तरह से या क्लोनिंग की तरह से या जदीद पेंटिंग की तरह से आज नई बात दुनिया के सामने नहीं आई, ये 1400 साल से पढ़ी जा रही है। मासूमीन की नमाज भी हमारे सामने, अपने बुजुर्गों की नमाज भी हमारे सामने, मराठे की सारी किताबें भी हमारे सामने। और आज अगर कोई आदमी आके कहे कि आज तक की सारी नमाजें गलत, क्योंकि आपकी और हमारी नमाज में फुला चीज नहीं होती है जो होनी चाहिए, कैसे इसे कबूल किया जाए? लेकिन लोग कबूल कर रहे हैं, और इस शिद्दत के साथ कबूल कर रहे हैं कि अगर कोई काबिल एहतराम आलिम तक उनकी बात न माने तो उसे मस्जिद तक से निकाल दिया जाता। खाली नमाज की बात नहीं या तशहुद की बात नहीं, और भी नए नए मसले, नए नए फितने, जिसके हवाले से परसों के दर्स के आखिर में वो जुमला आया, कल थोड़ा सा इसकी वजाहत हुई, लेकिन कल क्यों इस्लाम की बात कम थी, इंसान की बात ज्यादा थी, कि क्यों इमाम खुमैनी ने इस्लाम को मजलूम कहा? इसीलिए मजलूम कहा कि हर कसो नाकस जाहिले मतलब घर में बैठने वाली अंगूठा छाप औरतें, वो तक ये इतना आसान समझती हैं कि शरीयत के जिस मसले में जाए तो हल। और इतनी बड़ी बात कह दो जो कोई मर्जे भी कहते हुए घबरा जाता। इसकी सारी जिंदगी 80 साल, 70 साल, 75 साल खाली कुरान और हदीस में गुजरी, वो भी जो बात नहीं कह पाता, इससे बड़ा इस्लाम के जुल्म क्या हो? जो चीज नायब इमाम और मर्जे के लिए भी इस्लाम ने जायज नहीं समझी, वो एक आम इंसान, छोटे से जाकिर, मिंबर पे जाने वाले मर्जे के मुकाबले में बच्चा, इल्म के एतबार से बच्चा, उसको इख्तियार कैसे दिया जा सकता? खैर, इमाम खुमैनी अपने इतने अहम और वाज़े नजरिए को भी कुरान और हदीस से अलग साबित किया, लेकिन ये बताना पड़ा कि चूंकि कुरान आज नाजिल नहीं हुआ, 1400 साल पहले नाजिल हुआ, एक से एक काबिल एहतराम उलमा ने कुरान को पढ़ा, कैसे हो सकता कि किसी की समझ में एक बात ना आई हो, सिर्फ आपकी समझ में आई? हदीसें आज नहीं आ रही, हदीसें 1200 से लेके 1400 साल तक के जमाने की, मौला का जमाना 1400 साल पहले का है, 11वें इमाम का जमाना 1200 साल पहले का, उसके बाद तो कोई नई हदीस नहीं आई, कैसे हो सकता जिस तारीख शीयत में इतने अजीम अजीम उलमा गुजरे, हदीस उन्होंने भी पढ़ी, किसी की समझ में ना आई हो, फकत आपकी समझ में आई? तो आपने इस नजरिए के माजी के जिन बड़े बड़े उलमा के हवाले दिए, और जब हवाला दिया जाएगा वो किसी मर्जे ही का होगा, उनमें से एक नाम मुल्ला अहमद इराकी का था। ये 200 साल पहले बहुत बड़े मर्जे थे। हमारे यहां आम मोमिनीन मासूमीन की तारीख नहीं मालूम, करबला के वाकये के बाद अहले हरम पलट के मदीने आए, 8 रबीउल अव्वल का गम किया, 9 तारीख को एक दिन का शोक बढ़ाया, और फिर मेरे चौथे इमाम 35 साल रोते, बस इसके आगे तारीख शियत क्या? सिवाय बहुत ही पढ़े लिखे लोगों, आम आदमियों को नहीं मालूम। तो जब वो मासूमी जिन पर हमारी आखिरत की नजात का दारोमदार था, उनके बारे में हमारे पास वक्त नहीं है कि उनके हालात, उनके जमाने के वाकयात समझें, तो उलमा और नायब इमाम की तरफ कौन तवज्जो दे? इसलिए
मुझे मुन्ना अहमद इराकी का इतना तारुफ कराना पड़ा, लेकिन इतना ही तारुफ काफी। वैसे तो अगर साहिबान इल्म का मजमा होता यानी मदरसे के तालिबे या उलमा तो एक घंटा इसमें गुजर जाता, क्योंकि विलायत फकीह के नजरिए के अलावा उस जमाने के हालात मुल्ला अहमद इराकी की मर्जियत बड़ी अहम मर्जियत बन गई थी। आज इस तरह सारी इस्लामी दुनिया अमेरिका बहादुर किसी ना किसी बहाने से दाखिल हो रही, 200 साल पहले यही कैफियत बरतानिया की थी। तो आज अगर रहबर इंकलाब इमाम खामेनाई और जहीम हौजा इर्मिया नजफ अशरफ आयतुल्लाह सिस्तानी, इनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई और इनका जमाना बहुत अहम हो गया। ठीक 200 साल पहले जब बरतानवी सामराज इस्लामी दुनिया में दाखिल हो रहा था तो उस वक्त के महाराजे उस वक्त के एतबार से बड़ी अहम जिम्मेदारियां थी। हमारे यहां आगा शिराजी का एक तंबाकू का मसला तो मशहूर, लेकिन वो सारे वाकयात के दरमियान का खाली एक वाकया, उससे पहले भी और उसके बाद हमारे महाराजे इन तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतों का मुकाबला किया और जिहाद किया। मुल्ला अहमद नराकी अपने वालिद मुल्ला मेहदी नराकी का एक वाकया नकल कर रहे हैं। अच्छा, जब आप ये वाकया सुनेंगे तो शायद आप ये कहेंगे कि ऐसे वाकये के लिए इतने लंबे चौड़े तारुफ की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि हमारे यहां आज एक बदकिस्मती और हुई, वो शायद दूसरी या तीसरी तकरीर में जो मैंने बताया, और वो ये कि हर एक के ख्वाब पे हम भरोसा करने लगे, हर मोजिजे की खबर पे हम भरोसा करने लगे, हर इमाम से मुलाकात करने वाले के वाकयात को हम मानने लगे। ये भी हमारी एक बदकिस्मती है। अब ये तीनों चीजें इस्लाम का जुज है, ख्वाब भी चले नबी का ख्वाब तो मोजिजा होगा अब वही होती, हजरत यूसुफ का ख्वाब, हजरत इब्राहिम का ख्वाब, खुद पैगंबर इस्लाम का एक ख्वाब जिसके लिए कुरान ने कहा कस सद्दक अल्लाह रोया, देखो है हबीब कैसे अल्लाह ने तुम्हारे ख्वाब को सच्चा किया। लेकिन पैगंबर के ख्वाब के अलावा उलमाए बरहक और मराजे के ख्वाब की एक हैसियत, ऐसा भी नहीं है कि हर ख्वाब गलत, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर ख्वाब सच्चा। किसी नल्लू बंजू आम आदमी ने ख्वाब देखा ये अपने पैगाम मिला सब दौड़ पड़े उसके ऊपर, बल्कि शायद उलमा और मराजे के ख्वाब पे तो लोग तवज्जो भी ना दें। लेकिन इस किस्म के माशरे में फितना और फसाद फैलाने वाले और बहकाने वालों के ख्वाब को लोग फौरन मान लेते हैं। अच्छा, इसका नतीजा निकलता जब ऐसे ऐसे जाहिल बड़े बड़े मसाइल में अपने ख्वाब बताने लगते हैं, नतीजा क्या निकलता, जरा सुलझे हो और शरीयत को समझे हुए लोग होते वो कहते हैं कि इस्लाम ख्वाब का नाम ही नहीं, हम किसी ख्वाब को नहीं मानेंगे, दोनों तरफ गलत है। दूसरी बात मोजिज़े, जिस कसरत के साथ आजकल हर हर गली में हर हर घर में मोजिज़े होने लगे ये भी गलत, मगर इसकी वजह से बाज लोग बदते लोग हर मोजिज़े का इनकार कर देते वो भी गलत। जिस तरह से हजरत अमीर फजल अब्बास के मोजिज़े के हवाले से भी ये बात मैंने कही, ना हर मोजिज़ा सही है ना हर मोजिज़ा गलत, और मैंने मिसाल दी थी जैसे हदीस हमारे पास सच्ची हदीसें भी है झूठी हदीसें भी, ना हमें इतना खुश अकीदा बनना कि जिस हदीस के साथ एक इमाम का नाम मिला दिया अपने इमाम का नाम देकर आंखें बंद करके मान ली, और ना इतना बद अकीदा बनना है कि हम हदीसों ही को छोड़ दें और कहें कि ये सच और झूठ मिल गया इसलिए इसको छोड़ ही दो तो अच्छा बीच का रास्ता। ख्वाब और मौजूद चुनाव, और इसमें तीसरी बात भी है, लेकिन वो तो इतना ज्यादा बढ़ता हुआ इतना आजकल का बन गया कि उस पर तो एक अलग से दर्श देने की जरूरत है। लेकिन जो रात को मर्दों का मेरा दर्श चल रहा वो उसी
रास्ते में जा रहा है कि आगे जाके शायद वो मौजू वहां आ जाए, वो ये जी हमारी जमाने के इमाम से मुलाकात हो। ऐसे ऐसे लोग ये दावे कर रहे हैं कि वाकान परत के सवाल करने को दिल जाता, कि इमाम खुमैनी की तो इस तरह कभी इमाम से मुलाकात नहीं, आगा हुई तो इस तरह कभी इमाम से न मिले, आगा खामेनाई की तो इस तरह कभी इमाम से मुलाकात नहीं होगी, आगा सिस्तानी की जिंदगी में कभी इमाम से मुलाकात नहीं होगी। आप हैं क्या? आपकी हैसियत है क्या? आपने आज तक दीन को समझा कितना है? खिदमत क्या की? ये सारी दुनिया में इमाम को आप ही नजर आएगी जिससे मुलाकात हो रही। चुनाव इस अंदाज के जो मुलाकात के दावे करने वाले उनसे एनर्जी को बदल होकर बाज लोग उस तरफ चले गए कि जी ये जितने लोग हैं सब झूठे, इमाम से किसी की मुलाकात ही नहीं हो सकती, वो भी गलत। कि फिर इसकी लपेट अल्लामा हिंदी आ जाते हैं, शेख मुफीद आ जाते हैं, शेख सदूक आ जाते हैं, शहीद अव्वल आ जाते हैं, अल्लामा मजलिसी आ जाते हैं। इन लोगों के इमाम से मुलाकात तो हो ही, अलबत्ता इतने बड़े बड़े तारीख शियत के नाम जिंदगी में एक बार मिले, बहुत हुआ दो बार मिले, बहुत हुआ तीन बार मिले। और यहां तक जिहाद का रहने वाला जाहिल रोजाना मिल रहा, हर हफ्ते मिल रहा, और इतने बड़े बड़े जिनसे ईमान की मुलाकात जिंदगी में एक या दो बार हुई, उन्हें भी ईमान ने कोई ऐसे जो ना कुरान में हो ना हदीस में। अल्लामा हिंदी तारीख शियत के सबसे बड़े आलिम का नाम, अल्लामा हिंदी। जैसा कि मैंने मुल्ला अहमद निराकी के लिए कहा कि चूंकि हमारे कौम उलमा के बारे में तो बिल्कुल ही कोई आगाही नहीं, इसलिए जब किसी आलिम का नाम जबान पे आता तो दिल जाता है पहले जरा सी उनकी शख्सियत तो बताओ, लेकिन वक्त नहीं। तारीख शियत के सबसे बड़े आलिम को अल्लामा हिंदी कहते। और एक जुमला जो शायद आम खवातीन के लिए न हो, लेकिन बहरहाल खासी पढ़ी लिखी खवातीन भी दुरुस्त में आ रही है, वो ये कि गलत फहमी शियों के जहन में भी है और दुश्मनान अहले बैत के जहन में भी। और वो ये गलत फहमी है कि ईरान का इलाका तो हमेशा से शिया रहा, जैसे आजकल ईरानी और शिया ये भाई एक ही लफ्ज समझा जाता है। अगर कहीं हमें कोई ईरानी जाता नजर आए, चाहे पाकिस्तान में, चाहे कनाडा में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, बगैर उससे बात किए हम कहते थे ईरानी जा रहे या शिया होगा। जबकि जो लोग जो ईरानी ईरान के बाहर हैं वो ज्यादातर दुश्मन इस्लाम है, या यहूदी है या बहाई। जो इनकलाब ईरान के बाद इमाम खुमैनी जो इस्लामी इनकलाब लाए उसको बर्दाश्त ना कर सके, जब मोमिनों से इस्लामी इनकलाब बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो यहूदी कैसे बर्दाश्त करे। बहाई जो गालिबन सबसे बड़ा फितना था जो शियत में पैदा किया गया, लेकिन चूंकि मैं खुद भी कुछ अरसे बाहर रहा हूं तो मुझे मालूम कि जहां कहीं हमें कोई बाहर सड़कों पर चलता हुआ ईरानी नजर आता है, हम एक दूसरे से कहते देखो वो भी हमारा मोमिन भाई जा रहा, जबकि 99% वो इस्लाम दुश्मन और शिया दुश्मन ही होगा। लेकिन ईरानी शिया और शिया ईरान इस तरह से ये मिक्सअप हो गए कि आज दोनों को एक ही समझा जा रहा। चुनाच ऐसे वाकयात भी हुए कि जब तक किसी इलाके में शिया दुश्मनी की वजह से कत्लो खारदगी हुई तो ऐसे ईरानी भी मार दिए गए जिनका शिया से कोई ताल्लुक ही नहीं, जो उठते बैठते शिया पे लानत करते हैं। जैसे यूरोप और अमेरिका में आजकल जो मुसलमानों के खिलाफ एक लहर आई हुई है, बहुत सारे सिख इसकी लपेट में आता है, अपनी दाढ़ियों और सर पे बांधने जाने वाली एक पगड़ी की वजह से। अब एक ईसाई या काफिर को क्या पता कि मुसलमान आलिम का अमामा अलग चीज होती है और सिख की पगड़ी अलग चीज होती है। वो तो इतने सारे सिख कि वो परेशान हो गए रह गए सिख। ये गलत है नहीं, जब ईरानी के हवाले से बिल्कुल गलत ख्याल। तारीख इस्लाम बताती कि शुरू जमाने सबसे ज्यादा दुश्मन शिया और अहले बैत ईरानी थे,
शरीयत के खिलाफ जितनी किताबें शुरू में लिखी गई सब ईरानी उलमा की लिखी गई। यहां तक कि ईरान ही तो वो इलाका था जहां एक शिया ने मस्जिद में जाके हाथ खोल के नमाज पढ़ दी तो उसे सभा किया गया और इसके लिए मस्जिद से बाहर लाने की जहमत भी बर्दाश्त नहीं की गई, वही मस्जिद। फिर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आई? क्या ईरान का मतलब ही शियत है, शियत का मतलब ही ईरान? ये अल्लामा हिल्ली जिन्होंने सारे ईरान अपने खास तबलीगात और मुनाजरे के जरिए से अहले बैत से मोहब्बत सिखाई। तो खैर बहुत सारे कारनामों में से खाली एक कारनामा में वक्त की कमी की वजह से बताया। यह अल्लामा हिल्ली एक मसला शरी में बहुत परेशान थे, फतवा दे रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि इसको हलाल कहें कि हराम। और अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम, अब जब सबसे बड़े आलिम की समझ में कोई बात ना आ रही वो किससे पूछे? और इतने बड़े आलिम थे कि इनके बाद के जो उलमा थे उनके और इनके दरमियान बहुत ज्यादा फर्क था। अब जैसे आजकल आगे सिस्तानी और आगे खामेना इल्म का फर्क है 19-20 का हो, आगा कोई और आगा खुमैनी इल्म का फर्क है 19-20 का हो तो उसमें एक दूसरे से तबादला ख्याल होता हो, लेकिन जब बहुत ज्यादा फर्क हो जाए नंबर वन और नंबर टू किससे पूछे अल्लामा ही चुना थे। उन्होंने खास अमल किया और एक खास इस्तेमाशा किया जमाने के इमाम से। वो अमल ये होता है कि 40 शबे बुध मस्जिद सहला में इबादत करना होगी। ये वही मस्जिद सहला जो कूफे के करीब है, जुहूर इमाम के बाद ये इमाम का खजाना और बैतुलमान बनेगी। और ये तयशुदा बात कि 40 शबे बुध बगैर किसी गैप और वक्फे के वहां इबादत करने वाला इमाम की जियारत कर लेता। लेकिन वो भी इस तरह से नहीं कि इमाम आए और अपना तारुफ कराए कि मैं तुम्हारे जमाने का इमाम हूं, उसको बाद में पता चलता। अल्लामा हिल्ली ने यह अमल किया क्योंकि हिल्ला जो अल्लामा का शहर है और सहला बहुत करीब करीब 40 शबे बुध हो गए, आखिरी शबे बुध आमाल करने के बाद वापस आ रहे, रास्ते में मुलाकात हो एक ऐसी शख्सियत से कि नहीं पहचानते थे ये कौन। तो एक बार बातें होने लगी, अल्लामा हिल्ली को अंदाजा हुआ कि मेरे जमाने का ही कोई इतना बड़ा आलिम है कि मैं तो इसके सामने अपने आप को बच्चा और जाहिल समझ रहा हूं, ये कहां छुपा हुआ। मुलाकातें इमाम इस तरह नहीं होती जैसे आजकल लोग दावे कर रहे हैं कि जी इमाम आते हमारे घर में हमारे साथ नाश्ता करते हैं, जी आते इमाम आके हमारे साथ आराम से रिलैक्स होकर बातें करते हैं। इतना बड़ा आलिम अल्लाह उस वक्त जरा सा जहन पे पर्दा भी डाल देता। अच्छा वो मुहावरा तो बुरा बुराई में इस्तेमाल होता लेकिन फिर भी इस्तेमाल कर क्या अल्लामा को कुछ ऐसा अंदाजा हुआ जैसे पहाड़ तले ऊंट आ जाए तो ऊंट को अपनी हकीकत मालूम होती है। अल्लामा ने कभी तकब्बुर और गुरूर तो किया नहीं लेकिन परेशानी कि अगर मेरे जमाने का इतना बड़ा आलिम है कहां छुपा बैठा, आज तक मुझे इसके बारे में पता ही होना चल चुना। जैसे ही अल्लामा को यह एहसास हुआ कि ये इल्म में मुझसे ज्यादा है, ज्यादा का लफ्ज भी तो ही आ गया, ज्यादा का तो मतलब है कुछ मेरे पास है कुछ इनके पास नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं इनके सामने, तो मौका गनीमत समझ पहला सवाल ये कर लिया कि भाई गुलाम मसले के लिए मैं बहुत परेशान हूं कि वो चीज इस्लाम में हलाल है कि हराम समझ में नहीं आता और कोई दलील मुझे नहीं मिल रही। अब उन्होंने जवाब दिया मसलन सही सही तो जुमला वाकई में नहीं कि मसलन उन्होंने जवाब दिया ये हराम, लेकिन मर्जे की अपनी जिम्मेदारी चुना के कहा कि किस दलील कहा लिखा हुआ, कहा कि शेख अल-तूसी किताब तहजीब की फुला सफे की फुला सतर में हदीस मौजूद, जाके उसे पढ़ लो तुम्हारा मसाला हल हो जाए। अल्लामा ने कहा लेकिन मेरा एक मसाला और,
और वो ये कि मैंने सुना कि अगर कोई 40 शबे बुध मस्जिद सहरा में इबादत करे तो उसकी इमाम से मुलाकात हो जाती। मैं तो 40 शबे बुध इबादत कर चुका हूँ, आज आखिरी रात ये भी मुकम्मल हो गई, मैं घर जा रहा हूँ, अब तक मेरी इमाम से मुलाकात नहीं। मैं जैसे ही ये कहा उसने मुस्कुरा के कहा और आए हिंदी इतनी देर से किससे बातें कर रहे हैं? और गायब दो चीजें अल्लामा ने एक वक्त देखी, उनका जुमला और उनका गायब होना। अब पता चला कि ये वो इमाम थे। अल्लामा जैसे अजीम तरीन आलिम को भी अब पता चला। और हमारे यहां आम से, गुमनाम से, मजहूल से, इल्म के एतबार से सिफर बटा सिफर, वो इतने आराम के साथ सुबह शाम अपनी मर्जी और ख्वाहिश में ईमान से मुलाकात कर लेते और लोग उनकी बात मान भी लेते। लेकिन ये सारी बातें थोड़ी सी खिचपिच हो गई, यानी मजलिस के एतबार से तरतीब बाकी ना रही, दर्स के एतबार से बिल्कुल सारी काम की बातें थी। इसमें खास बात यह थी कि इमाम ने एक मसला बताया, लेकिन इतना नहीं कहा, मैं कह रहा हूं काफी नहीं, आज तक जो हदीसें मेरे बुजुर्गों ने दी का ये मसला उसमें बताया जा चुका। चुना के मुलाकात इमाम में सबसे अहम शर्त यह कि कोई ऐसी बात इमाम नहीं कहेंगे जो अब तक मौजूद हदीसों और आयतें कुरानी में नहीं। गैबत नऊज़ु बिल्लाह, ये मैं तौहीन की नियत से नहीं कह रहा हूं, यह अकीदा है हमारा। गैबत इमाम कोई नया मसला शर्की नहीं बता सकते, परवरदिगार की जानिब से उनको पाबंद किया, जैसे कर्बला में चौथे इमाम को पाबंद किया गया था कि तुम्हारे पास इमामत की ताकत है मगर कोई जवाब नहीं देना। वो इमाम ताकतें रखता है उनमें खुदा से मजबूर, गैबत में इमाम कोई नया मसला नहीं बता सकते, जो बताएंगे वो वही चीज बताएंगे जो इससे पहले हदीसों में आ चुकी है। या मसाले से हट के अगर कोई बात करें वो अलग चीज, लेकिन उसमें हर दावा करने वाले के दावे को नहीं माने। तो मुलाकात इमाम मोजिज़े खा, ना हर एक को झुटलाएंगे ना हर एक की बात मानेंगे। फिर कैसे फैसला हो, वो जो तीसरे दर्स में बात आ गई थी कि जिस तरह इमाम की हदीसों में जब मिक्सअप हो जाए हम मर्जी से पूछते, वही मसाला खाब का है, वही मसाला मोजिज़े का है, वही मसाला मुलाकात इमाम के दावे का। और यही वजह कि जो कि मर्जे ये फैसला करने वाला, चुनाचे हर वो आदमी जो झूठे ख्वाब बताता, जो झूठे मोजिज़े बताता, जो झूठे वाकयात मुलाकात बताता, पहला काम वो ये करता है मर्जे के खिलाफ बोलता। जैसे अगर किसी इलाके का ये कानून हो कि जी यहां जो आप सामान लेकर आएंगे उसका इतना वजन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी आदमी को कानून के खिलाफ वजन लाना, तो पहला काम ये करेगा वजन वाली मशीन में गड़बड़ कर दे, उसे ही खराब कर दे। तो मर्जे जो ये फैसला कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत, तो जिसे गलत बातें माशरे में फैलाना, पहले वो मर्जे को मशकूक बना दे। ये मर्जी आए कहां से, इनकी हैसियत क्या है, किसने इनको नायब इमाम बनाया, हम तो नहीं मानते। वो मशीन जो सही और गलत का फैसला करती है, पहले वो खराब हो जाए, अब इसके बाद जब आम आदमियों के जहन में मर्जे के बारे में शक हो गए, अब जो चाहे झूठा सच्चा वाकया बताओ, जो चाहे झूठा सच्चा मोजिजा बनाओ, जो चाहे झूठा सच्चा ख्वाब बनाओ। इस साल शुरू के दर्ज एक मोजिजा आया जिसको इसलिए हमने माना कि मर्जे ने तस्दीक की, वरना नहीं मानते। मासूमीन की ताकत एजाज के कायल होने के बाद आम आदमी के कहने पे नहीं मानते। और आज के दर्श, आज आखिरी दर्श शुरू हो गए, 14 दर्श से 7 हो चुके हैं, अब आखिरी हिस्सा शुरू हुआ। तो आज ये खाब इसलिए बयान किया जा रहा कि मर्जे ने इसकी तस्दीक की, वरना हम इसे भी नहीं मानते। मुल्ला अहमद और मर्जी भी मुल्ला अहमद ने राखी जैसा, वो अपने वालिद का वाकया बयान करते हैं कि हम लोग इस्फहान में रहा करते हैं, तालीम के लिए ये हौजा इब्निया नजफ बाद में,
तो एक मरतबा कोई ईद का मौका आया, या रमजान वाली ईद होगी, या हज वाली ईद होगी, या गदीर वाली ईद होगी, ईद का मौका आया, तो मेरे वालिद कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ ईद का दिन ईद और बातचीत के लिए मुख्तलिफ घरों में जाने लगा। ईद के दिन दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे के घर विजिट करते, हम भी जाने लगे, यहां गए वहां गए वहां गए वहां गए। कोई ऐसी ईद थी कि जिसमें सुफरा और दस्तरखान बिछाया जाता, जैसे हमारे यहां कराची का रवाज है, यहां भी हो, रमजान की ईद के बाद सेवैया जरूर खिलाई जाती है घर आने वाले मेहमान को। अगर के अरब में सेवैया नहीं, इमाम के जमाने में थी ना आज के जमाने में, लेकिन शरीयत इतनी भी सख्त नहीं है कि हर चीज में वही करना है जो अरब के जमाने में 1400 साल पहले होता था। तो अब सेवैया वहां का था, ईरान के अपने खाने होते, हर घर जा रहे हैं दो चार पांच मिनट, दो चार पांच मिनट। फरमाते हैं कि इसी तरह से दोस्तों से मिलते 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 आखिर में हम शहर के बाहर, हमारा एक दोस्त रहता था, गरीब सा था, जिसका मकान इतनी हैसियत नहीं थी कि शहर में बना था, उसका मकान शहर के बाहर था, हमने आखिर में उसी को रखा था, पहले यहां सब लोगों को निपटा दे फिर वहां जाए। चुना के वहां पहुंचे तो जैसा भी आपने सुना कि बेचारा गरीब सा, तो मकान उसका बहुत छूटा। जब हम गए तो पता चला कि खानदान की कुछ खवातीन वो पहले आई हुई है। अब आजकल तो हमारे कोई मसला ही नहीं है मिक्स गैदरिंग, महरम ना महरम सबको एक जगह बिठा दो, अपनी शादी और बर्थडे की पार्टियों को छोड़ो, जो काम इमाम के नाम पे होते हैं उसके अंदर भी शरीयत का कोई ख्याल नहीं। जैसे बड़ी मुश्किल से कराची में हमने ये चीज खत्म कराई, हमने से मतलब मैं नहीं, कराची के उलमा, लेकिन अब दोबारा ये शुरू हो गए कि भाई आप शादी के अंदर मिक्स गैदरिंग कर रहे हैं वो भी हराम, लेकिन चले वो आपकी अपनी तकनी, बच्चे की सालगिरह में मिक्स गैदरिंग औरत हर साथ बिठा रहे हैं वो भी हराम, लेकिन चले वो आपके घर की तकनी। जो लफ्ज मिक्स गैदरिंग में कह रहा हूं इसका मतलब अजनबी लोग नहीं, देवर और भावज दोनों आके खड़े हैं बच्चे की सालगिरह, पूरे हिजाब के साथ हो तो अलग बात, लेकिन देवर से कौन हिजाब करता, और बर्थडे की पार्टी में कौन सी औरत बगैर मेकअप की होती। हजरत इमाम खुमैनी का एक मसला कि जी ना महरम के सामने चेहरा खोल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इतना ज्यादा मेकअप ना। खैर ये दो चार दिन मुसलसल शादी और बर्थडे, शादी और बर्थडे की बात आई है, से छोड़ 22 रजब की हमारे यहां नियाज होती, उसके अंदर भी महरम और ना महरम एक साथ दस्तरखान पे बैठे जी, तो सब खानदान वाले, कौन से खानदान वाले, इस्लाम की निगाह में तो सब नाम है, कजिन साथ में आके बैठ गए, ये तो ईमान के नाम पे आप बिठा रहे हैं। शादी और बर्थडे को फिर भी मान लिया जाए, कैसे मान लिया जाए, हराम तो वो भी, लेकिन जैसे घर में शराब पीना और मस्जिद में शराब पीना फर्ज है कि नहीं है, कि शराब तो वही शराब है, बहरहाल वो आपका घर है अल्लाह का घर, दोनों में फर्क। तो खास तौर पर जो मजहबी तकरीबात है उसमें तो इस किस्म की मिस गैदरिंग होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती। चुनाव कितनी जगह पंजाब मालूम है खुले में मजलिस हो रही, औरतें मर्द साथ बैठे, भाई इतना ख्याल कर लिया कि मर्द आगे औरतें पीछे, है तो ना महरम, या तो खैर ईरान जैसा माहौल कि इतना मुकम्मल पर्दा कि ना एक बाल नजर आए, ना जरा सी कढ़ाई नजर आए, ना पैर नजर आए, वो भी नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। खैर उलमा का माहौल है, मजहबी घराना है, चुना के जब मुल्ला मेहदी नराकी अपने दोस्तों के साथ इस शख्स के घर पहुंचे, तो उसने भी आके माजरत कर ली कि भाइयों अभी घर में औरतें बैठी, वो दस्तरखान पे खा रहे की नजर चख रही, थोड़ा इंतजार करो, ना इसमें बुरा मानने की बात है, ना साहिब खाना को बुरा लगना चाहिए, पहला हुक्म अल्लाह का है, पहला हुक्म शरीयत का है, ईमान को बुरा ना लगे, दोस्तों को लगता है तो लग जा, लेकिन अगर समझदार और आले मोहम्मद के मानने वाले दोस्त होने भी क्या बुरा लगे, तो बिल्कुल ठीक बात, हम इंतजार कर लेते। कैसे इंतजार करें, सामने कब्रिस्तान, ईरान में तो खास तौर पे रवाज रहा है, कराची के कब्रिस्तानों में भी ये रवाज है, हमेशा से था और यहां भी होगा,
कि जो लोग कब्रों की जियारत के लिए आते हैं उनकी आसानी के लिए एक सायेदार जगह बनाई जाती है, जहां बैठ के एक मजलिस हो जाए, कुछ दुआएं हो जाए, कुछ कुरान के बारे में पढ़ लिए जाए, ये लोग वहां जाके बैठ गए। अब इंतजार कर रहे हैं कि अब बुलाया जाए, अब बुलाया जाए, अब बुलाया, लेकिन पता है आपको, आप तो खुद और थे, बैठ गए तो बैठ गए, रॉन्ग नंबर में आधा आधा घंटा बात हो जाती है, घर में आग लग गया, अंसाई को इतला देने आ गया, दरवाजे में 45 मिनट बात हो जाती है। खैर, तो अब जो बैठ गए तो बैठ गए, उन्हें भी इस बात का क्या ख्याल है, ये साहिब खाना को तकलीफ हो रही है या कोई और मेहमान होगा। काफी देर हो गई, मुन्ना मेहदी नाराजगी फरमाती, खैर हम क्या कर सकते थे, साहिब खाना की मजबूरी भी देख रहे और अपनी भी, पूरे दिन की थकन, जल्दी से नजर चक के घर जाके आराम करना। हमें बहुत ही ज्यादा जॉली टाइप का आदमी था, बहुत मजाक करने वाला। एक बार उसने कब्रिस्तान को देखा और कहा कि आए कब्र के मुर्दों, जिंदा तो हमें बुला के भूल गया, अरे चलो तुम भी हमें हमारी दावत करके कुछ खिला पिला। उसने तो मजाक में कहा, एक कब्र में से आवाज आ गई कि आइंदा शबे जुमा आ जा। ओह, अब तो सिट्टी गुम हो गई, वो तो खाली मजाक में कह रहा था, एक कब्र में से आवाज आ गई, तुमने खुद ही तो दावत मांगी है ना, आइंदा शबे जुमा आ जाना। अब कहां की नजर, कहां की नियाज, कहां का दोस्त, कहां का दस्तरखान, कहां की थकन, कहां का आराम, सब भूल गए। क्यों? कहने वाले तो यहां तक कहते जबकि गलत कहते, कि खाद में भी अगर मुर्दा बुलाए तो इसका मतलब यह है कि तुम मरने वाले, या तो जीते जागते कानों से सुना, एक आदमी हो तो हम समझे कि कान बच गए, दो आदमी हो तो हम समझे कि कोई धोखा हो गया हो, ये तो सारे 8-10 एक से एक बड़ा आलिम चुना के हर एक इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारी मौत यह नहीं, शबे जुमा मर रहे, वो जल्दी चलो घर, जब मौत नजर आती तो आदमी को फिर अपनी एक एक गलती याद आती, फिर तौबा करता, फिर गुनाह माफ कराता, चुना के हम ये घर गए, जिंदगी का मजा खत्म, मुसल्ला बिछा के बैठ गए, सारी जिंदगी के गुनाह माफ कराए जा रहे हैं। जलजले के कुछ झटके लगे तो जैसा कि आपके इल्म में भी है कि हर आदमी की जबान में तौबा और इस्तिग़फ़ार आया, खाली मुसलमान ही दौड़ के मस्जिदों में नहीं गया, हिंदू मंदिर में गए, सिख गुरुद्वारे में गए, ईसाई चर्च में गए, हरे को अभी तो ये पता नहीं कि ये जलजला हमारे लिए है भी कि नहीं, लेकिन आसार बहुत नजर आए, सबकी हालत बदल गई। काश हम आम हालात में भी इतना ही अल्लाह को याद करें, क्यों हम अल्लाह को ये पैगाम अपने अमल से देते, क्या है अल्लाह नातों के भूत हैं बातों से नहीं माने, अगर हमें ठीक रखना है तो ऐसे वाकयात और हादसा आए हमारे इलाके में तभी हम ठीक हो, क्यों हम अल्लाह से ये कहते, आम हालात में ही क्यों हम अल्लाह को याद नहीं कर लेते। खैर, फिर एक बार जलजले की बात आ गई, बहरहाल वो इतना बड़ा वाकया और हादसा कि उसका हवाला तो रहे, ये लोग आके बैठे अपने अपने मुसल्लों पर, अपने अपने घरों में, अपना कारोबार ना मुलाजिमत ना रिश्तेदार, सिर्फ खुद है, अल्लाह है, गुनाह है, इस्तिग़फ़ार है, माजी की जिंदगी। यहां तक शबे जुमा आ गई, टेलीफोन तो उस जमाने में नहीं था, लेकिन नौकर बहुत सस्ते मिल जाते हैं, एक दूसरे के घर नौकरों का आना जाना, भाई तुम खैरियत से तो हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बुखार आ रहा, ऐसा तो नहीं कि तुम मरने के करीब, हर घर से एक ही खबर आ रही है, सब बिल्कुल ठीक ठाक, उतने ही सेहतमंद, हट्टे कट्टे, आधी रात हो गई, मरने के आसार ही नजर नहीं आते। अब ये लोग चकरा, चूंकि साहिबान इल्म है ना, चकरा, इसका मतलब ये हुआ कि उस जुमले का कुछ और मकसद, क्या पता चले क्या मकसद, कहा जहां से ये बात हमने सुनी थी वहीं चलो, चुनाचे ये सब लोग आधी रात उसी कब्रिस्तान की उस खबर पे गए। हमारे यहां हिंदुओं की वजह से कब्रिस्तान में रात को जाना भी एक बड़ा मसला बन जाता, भूत परी चुड़ैल पिछड़ पाई पता नहीं क्या क्या चीजें, जिसका इस्लाम में दूर दूर कोई वजूद ही नहीं है। माशाल्लाह, दर्श में आने वाली खवातीन तो वही जो दीन के करीब होती, आपने जियारतें भी की हों, ईरान के कब्रिस्तान भी देखे हों, क्या शानदार कब्रिस्तान होते, लगता ही नहीं है कि हम मरने वालों के पास आ गए, वो ये इस्लाम का तस्वुर है वही लगता, एक शहर ये, एक शहर वो, ये भी आबाद, वो भी आबाद, जैसे हमारा बेटा
हमें छोड़ के अमेरिका चला गया, वैसे हमारा रिश्तेदार हमें छोड़ के दूसरी दुनिया चला गया। हमारे तो कब्रिस्तान भी इतने सुनसान, उजाड़, डरावने, भयानक कि वहां क्या करीब मौत से डर करने लगे। खैर, मौत प्यारी चीज है, हसीन चीज है, दिलकश चीज है, अच्छी चीज है, यह एक अलग मौजू है। आज वैसे भी तकरीर में इसकी गुंजाइश नहीं और वक्त भी बहुत ज्यादा गुजर गया। खुलासा यह कि वहां पहुंचे और उस खबर तक, वहां भी कोई खास बात नहीं, वैसे ही जैसा कब्रिस्तान हर रात को होता है वैसे ही। आखिर हिम्मत करके किसी ने कहा, यह कब्र वाले तूने शब जुमा हमारे दावत के लिए कहा था, हम आ गए, निकाह और कब्र को। अरे गुलाम महाराज, कहा कि मेरा आका तो आपका कब से इंतजार कर रहा है, आपने बहुत देर की, आइए हमारे साथ। अच्छा, ये जुमला भी हमें और आपको कितना डरा, तोड़ से गिरेगी और फट से मर जाएंगे। जुमला सुनकर के कब्र से कोई निकल के आया और कह रहा आइए हमारे साथ। लेकिन एक तो उलमा मौत की हकीकत जानने वाले, फिर उस वक्त का माहौल कुछ ऐसा बन गया, ख्याल भी ना किया, उसके साथ चलने लगे, चलने लगे। कब्र में जगह क्या होती है चलने की, तो बाद में इनको याद आया कि अरे हम चलने कहां लगे थे, हम तो कब्रिस्तान के कब्र के पास थे। उसने कहा चले, तो इस तरह चलने लगे जैसे कोई आदमी किसी बाग में चलता, और वाकई बाग नजर आने लगा। दोनों तरफ फलदार और सायादार दरख्त थे, ठंडे ठंडे पानी की नहरें जारी हैं, बड़ी खुश अच्छी आवाज वाले परिंदे थे जहां रहे हैं। और चलते चलते ले जाके उसने एक महल के सामने खड़ा कर, सोने और चांदी की ईंटों का बना हुआ महल। हम कब्रिस्तान में थे और इतनी से कब्र खुली थी, हमसे कहा था चले हमारे साथ, ये कब्र से हम कहां निकल गए। ये सब बाद में ख्याल आया, उस वक्त कुछ होश नहीं था। महल में गए, गुलाम ने कहा ये मेरा आका आपका इंतजार कर रहा, देखा बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील नौजवान, बेहतरीन लिबास, बादशाहों की तरह सर पे सोने का ताज, इनका इस्तेमाल करता है दस्तरखान पे बिठाता, और एक से एक ऐसे खाने खाए कभी नहीं, देखने से अंदाजा हो रहा है कि बड़े अच्छे और बड़े लजीज हो। लेकिन साहिब खाना कह रहा बिस्मिल्लाह, ये सब लोग हम चुप बैठे। उसने घबरा के कहा क्या हुआ, क्या आपको मेरी दावत पसंद नहीं आई। अब इनमें से, अब देखिए सब उलमा और मामूली आलिम ने, अब इनमें से बोला कि शख्स को है कौन, क्या आप कोई नबी हैं। घबरा के उसने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, क्या आप कोई वसी हैं। घबरा के कहा कि आप कैसी बात करते हैं, इतने बड़े बड़े होते, क्या आप कोई राहे खुदा के शहीद हैं। वहां भी समझ में आता। फिर उसने कहा कि ऐसे मेरे किस्मत कहां, तो फिर आप हैं कौन जिन्हें इतना बड़ा रुतबा और मर्तबा मिला कि मरने के बाद अभी जन्नत नहीं है। जन्नत तो कयामत के हिसाब किताब के बाद, आलीशान महल, बेहतरीन बाग, इतना अच्छा लिबास और इतना इख्तियार की दुनिया से मेहमानों को बुलाया, आप हैं कौन। मुस्कुरा के कहा कि आपने नहीं पहचाना, मैं तो समझा था आपने सारे मुझे पहचान ली, मैं आपके महल्ले का कसाई हूं, कितनी मर्तबा आप मेरी दुकान पे गोश्त खरीदने आए। ये जो कहा, हर एक घबरा गया, और घबराहट जबान पे एक जुमला आ गया जो आम हालात में कभी नहीं आता। देखिए किसी का दिल तोड़ने से क्या फायदा, लेकिन घबराहट ने कहा तुम हमारे महल्ले के कसाई हो ही नहीं सकते, वो तो काला था, बदशक्ल था, बदसूरत था, तुमसे इतने हसीन जमील खूबसूरत। मुस्कुरा के कहा जब अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी तो क्या वो बदसूरत ही मेरे साथ रहने देता। मोर के बारे में भी कहा जाता है कि पैरों को देखता है तो रो देता, तो इतनी सारी नेमतें देखे क्या अल्लाह ऐसा बना था कि आईना देखता तो रो देता। तो जन्नत के बारे में भी यही जुमला, बूढ़े जवान होके जाएंगे, बदसूरत खूबसूरत होके जाएंगे, बीमार सेहतमंद होके जाएंगे। जनाजे का मैं वही कसाई और इतना ही बस शक्ल हूं जितना था, जितना आप कह रहे हैं। लेकिन जब जन्नत मिली तो इसके साथ ये सारी चीजें मिली। अब जरा इत्मीनान आया, क्योंकि ये चीज आप जानती हैं, हमारी बच्चियां जानती हैं, तो ये उलमा कैसे ना जानते हो। हां भाई, अल्लाह जब जन्नत देता तो महल और बागात तो बाद की चीजें, पहले खुद इंसान को हसीन और जमील बनाता, समझ में आ गया। लेकिन
फिर भी हाथ आगे नहीं बढ़ा। कसाई हैरान हो गया, अब क्या है? मैंने तारुफ करा दिया, मैंने सब बता दिया। ये बताओ, जिस रुतबे पर तुम वायद हो, इतना बड़ा रुतबा, कोई नबी हो, वसी हो, शहीद राह खुदा हो तो समझ में आता, तुम तो हमारे महले के कसाई, तुमने तारुफ करा दी। हम तो तुम्हें जानते थे, ना कोई बड़े मुकद्दस आदमी, ना कोई बड़े मुतबरी आदमी, ना कोई बहुत बड़े परहेजगार आदमी, इतना बड़ा रुतबा मेरा तो कैसे मिला? देखिए, याद रखिए, शियों उसूल दीन में शामिल है कि अल्लाह आदिल, यहां बादशाहों की तरह नहीं कि खुश हुआ तो ना अहल को मालूम हुआ, सारी चीजें दे दी, एक इलाके का गवर्नर बना दी, जरा सा खुश हो गए। खुदा जब किसी को देता है अहलियत और सलाहियत और अमल और किरदार देख के देता है। तुमने क्या बात कहा कि जब मैं यहां आया और ये सब मुझे दिया गया तो मुझे खुद हैरत हो गई। किसी आदमी को, किसी मर्जी को मिले तो समझ में आए, मैं खुद हैरान हो गया। मैंने घबरा के पूछा, आखिर क्यों? कहा, तुम्हारी दो नेकियां ऐसी जो अल्लाह को इतनी पसंद, जिसकी वजह इतना बड़ा रुतबा मिला। नंबर एक, तुम कभी नमाज कज़ा नहीं, पाबंद नमाज सारा साल और सारी जिंदगी, रमजान की नमाजें पढ़ना आसान, सारा साल सारी जिंदगी जो अल्लाह नमाज इस तरह से पढ़े उसका यही रुतबा। और दूसरी बात यह है कि न सिर्फ ये कि तुम्हें कारोबारी, बल्कि ऐसे कारोबारी जिसमें धोखे और फराक का इम्कान बहुत ज्यादा है। ये गोश्त बेचने का स्पदा ऐसा है कि असाई जरा हुनरमंद हो, खराब मान इस तरह हमारे हवाले कर दे, लेकिन तुमने जिंदगी में कभी किसी मोमिन को धोखा नहीं दिया। कारोबार में फराक और चीटिंग और मकर से काम ना लिया, जितने पैसे लिए वैसे ही चीज, और अल्लाह को यह अमल भी इंतहाई पसंद। और अगर गौर करें, या वो चीज जमा हो गई जो हमारे माशरे में आम तौर पे नहीं होती। हमारे यहां जो लोग नमाजी, वो नमाज के बारे में अगर बहुत ही पाबंद, अमली जिंदगी में बड़े ही खराब निकलते, बद अखलाक, बद जबान, बद तहजीब, रिबतें करने वाले, अपनी नमाज के गुरूर में किसी को कोई अहमियत ही ना देने वाले। और जो लोग अखलाक के एतबार से बड़े अच्छे होते, हमदर्द, मेहरबान, हर एक की मदद के लिए खड़े होने वाले, वो नमाज रोजे में बड़े कच्चे होते। इसके अगर आप देखें तो दो बातें बताई, लेकिन इसमें दीन जमा हो, अल्लाह की इबादत करता है, बंदगान खुदा के भी हक का ख्याल करता है। अब समझ में आया, क्योंकि ये उलमा, हाँ यही तो इस्लाम है, यही तो मर्जी है परवरदिगार है, ठीक जो मिला सही मिला। अब दस्तरखान की नेमतें इस्तेमाल करना शुरू, लेकिन हैरत कम हो गई, अब आम हालत में आ गए तो एक बात का अंदाजा कि ये कसाई हर थोड़ी देर के बाद तकलीफ से कर रहा था, आ आ आ, हर थोड़ी देर के बाद जन्नत में इतनी नेमतों के दरमियान तकलीफ कैसी? घबरा के कहा, ये तुम बार बार चीख क्यों रहे? तो अब उसने अपने पांव से मोजा उतारा और देखा कि इसके अंगूठे में बहुत ही छोटा लेकिन इंतहाई जहरीला सांप निपटा हुआ। कहा भी जाता है कि जितना छोटा सांप होता है उतना ही खतरनाक होता है, और वह हर थोड़ी देर के बाद इसके अंगूठे को काट रहा, जो कि ये खुद दूसरी दुनिया में है तो मर तो सकता ही नहीं। सिर्फ तकलीफ की शिद्दत। अच्छा, अब चकराई ये उलमा, अब तक की हर बात समझ में आ गई, ये क्या इतना बड़ा रुतबा और इतना बड़ा मकाम और अजाब खुदा का, ये किस लिए? का ये फसद इसलिए कि एक बार उससे गुना हो गया, वो आम गुना नहीं था, इस्लाम की निगाह का बदतरीन गुना था। वो ये कि मेरे घर जो चूल्हा, पहले जमाने में ना गैस है, ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना मिट्टी का तेल है, ना बिजली, लकड़ियां जलाई जाती थी। हमारे पाकिस्तान में 50 साल 40 साल पहले तक था, ये तो 200 साल पहले की बात है।
मेरे घर में हर हफ्ते 10 दिन के बाद वो लकड़ियां लाने वाला लकड़ियां लाके देता था जो स्टोर में रखी जाती थी और उसी से बाहर खाना या किचन चलता था। एक बार वो लकड़ियां लेके आया, मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, मैंने कहा बाद में ले, और फिर मैं उसको पैसे देना भूल गया। लापरवाही की वजह से उस बेचारे ने इसलिए नहीं कहा कि ऐसा ना हो कि वो कहे मुझे बुरा लगे, अच्छा भला लगा हुआ एक घर और राहत छूट गई। मैंने भी कोई ख्याल नहीं किया। मौत के बाद पता चला कि राह खुदा के शहीद का खून का पहला खतरा जमीन पे गिरता, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, कर्जे का गुनाह उसका भी माफ नहीं। तो मैं तो शहीद राह खुदा भी नहीं, ये गुनाह तो किसी का माफ नहीं होगा। अगर किसी ने दूसरे मोमिन का हक मारा, किसी ने दूसरे मोमिन का माल दबाया, का सारी नेमत एक तरफ, लेकिन ये सजा मिलेगी जब तक कि वो मजलूम तुम्हें माफ ना कर, मजलूम। तो भाइयों, मैंने आपकी दावत जो की इसमें एक लालच के लिए थी, जब आप वापिस जाकर अगर किसी तरह से मेरा वो गुनाह माफ करवा दो तो मेरी जन्नत मुकम्मल हो जाए। फिर बड़ी हसरत के साथ एक जुमला कहा जो शायद कल के वरना इतवार के दर्ज का मौजू बनेगा, काश मेरी औलाद ही इतनी समझदार होती कि वो ये सोचती कि बाप के मरने के बाद बाप को कोई अगर सजा मिल रही हो उसको कैसे माफ कराए। औलाद ही काश इतनी समझदार होती, औलाद ने भी तवज्जो न दी। खैर अभी लोग कब्र से बाहर आए तो वापिस उसे कब्रिस्तान, कभी दिल कहता है ये खाब, खड़े खड़े हम लोग सो गए होंगे, और कभी ईमान गवाही देता है कि नहीं ऐसा खाब तो नहीं होता। और तस्दीक हो गई जब पहले में गए कसाई के घर गए, सारी बातें तस्दीक हो गई। ऐसी ही इसी दिन मरा था, वही उसकी खबर है, लकड़ी वाले का पैसा बाकी है, वो माफ कराए। लेकिन जन्नत में जाने वाला, परवरदिगार को राजी करने वाला, फिर भी हुकूको नास या मोमिन के हकीक होता है, एक लकड़ी वाले के एक दफा के पैसे न दिए। हमारे यहां तो माशाल्लाह लोग पूरी पूरी जायदादें हजम कर जाते हैं, मस्जिद और इमामबाड़े का माल खा जाते हैं, दूसरे लोगों के सदका और खैरात में हाथ साफ कर देते हैं, कारोबार में धोखे से काम लेते हैं, कर्जा लेके वापस नहीं लेते। और तो और देखिए ये गुनाह इतना बड़ा, खाली बड़ा ही नहीं छोटा मसल, छोटी सी बात। आज का दर्श कल बात, कल के दर्श में बात आलम इस्लाम और सारी दुनिया और हालात जमाना की हो रही, आज बात ये हो रही। लेकिन यही इस्लाम, पूरी जिंदगी को इस्लाम ने घेरे में लिया। मसल हराम में ये भी आता है कि अगर मानिए मजलिस, कहीं मजलिस हो रही है, उसने हर आने वाले के लिए एक तबरुक रखा, अब कोई आदमी उसको बताए बगैर दो तबरुक ले, ये भी हराम में आता। अभी तो किसी को एहसास नहीं होता, खुश हो कि एक दूसरे को बताते भाई हम इधर से चक्कर लगा के आए, हम उधर से घूम के आए, इस तरह से मानिए मजलिस के ऊपर से फलांग के आए, तो पता ही नहीं चला हम 5-5 तबरुक लेके आ रहे हैं। अभी तो बहुत खुश होते हैं लोग, बड़ा होना समझा जाता, बड़ी चालाकी होती, एक दूसरे को रास्ते दिखाए जाते हैं, यहां से जाना वहां से जाना, मरना तो है ना, एक खबर में तो जाना है ना, वो भी आराम है कि आप किसी भी सारी जायदाद खत्म कर जाए, और ये भी आराम कि खाली एक रोटी आप अपने हक से ज्यादा लें, और खाली एक सेब या एक केला आदमी अपने हक से ज्यादा लें। और ये तो वो जुल्म जो आदमी अपने आप में कर रहा है, बाकी जुल्म दूसरों पर होते हैं, ये जुल्म अपने आप पर, इसलिए कि इसकी सजा हमको मिलेगी और वहां मिलेगी जहां कोई मदद करने वाला नहीं। बाकी इसी हवाले से कुछ बातें कल हैं, परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हम बड़े कमजोर और गुनाहगार किस्म के इंसान, मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले हमारी तमाम गलतियों और गुनाहों और खुसूसन माह रमजान के गुनाहों को माफ फरमा, और हमें इतनी ताकत अता फरमा कि हम आइंदा भी शैतान मर्दूद के शर से अपने आप को बचा के तेरी इताअत के रास्ते में जिंदगी गुजारे। आए खुदा, हमारे गुनाहगार होने में कोई शक नहीं, लेकिन हम हैं तो आले मोहम्मद के मानने वाले, आले मोहम्मद के तो भैर हमें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमाओ। परवरदिगारा हमारे जो मोमिनीन और मोमिनात भाई
इस जलजले से मुतासिर हुए, उनके अजर व सवाब को बढ़ाते हुए उनकी इस परेशानी जल्द से जल्द दूर फरमा। परवरदिगारा जो खवातीन आज के दर्श में आई उन्हें ये तौफीक अदा फरमा कि वो अपने घर वालों के साथ इन मजलूम साहिबान ईमान की परेशानी का ख्याल करते हुए दामे फिरमे पदमे सुखने जैसा उनके लिए मुमकिन है उनकी मदद करे। परवरदिगारा इस नेकी के तो फैल माह मुबारक की दूसरी नेकियों के तो फैल और सबसे बढ़कर मोहब्बत आले मोहम्मद की नेकी के तो फैल जो जो हाजतें दिल में रखकर मोमिनात यहां आई उनकी वो सारी हाजतें पूरी फरमा, खुसूसियत के साथ इनके खानदान के तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा और ज़ुहूर इमाम में ताजीर फरमा। ये जरा सा देर से ऐलान मेरे पास पहुंचा